हेलो फ्रेंड्स uh, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्कॉलरशिप फॉर जापनीज लैंग्वेज कोर्स है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स जिसको हम लोगों ने पहले फ्री जापनीज कोर्स ऐसे भी बोला था तो उसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दे रहे हैं सो बिफोर दैट अबाउट दिस स्कॉलरशिप एंड अबाउट अस वी आर इन जापान एंड हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स है फ्रेशर्स है, है उनको नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज जो होती है उसके बारे में उनको हेल्प करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए तो जो हटके करियर होते हैं या फिर जो करियर में या फिर जो फील्ड में लोगों का फ्लो थोड़ा कम होता है उसको रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन uh, देते रहते हैं सो so, बहुत बार ऐसे होता है कि जापनीज लैंग्वेज में uh, क्या क्या करियर कर सकते हैं इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है तो करियर स्कोप इन जापनीज़ लैंग्वेज के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जो है वो डिटेल में देख सकते हैं सो बिकॉज ऑफ़ दिस देयर इज़ अ देर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन द जापनीज लैंग्वेज तो हम लोग थोड़ा स्टूडेंट्स को इनक्रेज करते हैं कि जापनीज लैंग्वेज सीखे और अंडर दिस ओनली वी आर प्रोवाइडिंग सम स्कॉलरशिप फॉर द जापनीज लैंग्वेज कोर्स सो ये स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या है सो बेसिकली वन क्राइटेरिया तो आप सबको पता है कि स्टूडेंट शुड भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड उनकी इच्छा होनी चाहिए जापनीज सीखने की जापनीज में करियर करने की और एक बार स्टार्ट करने के बाद उसमें एक पर्टिकुलर लेवल जो जो लेवल रिक्वायर्ड है जापनीज कंपनीज़ में काम करने के लिए वो लेवल तक एटलीस्ट आप लोग उन्हें सीखना चाहिए मतलब स्टार्ट किया और बीच में छोड़ दिया अगर इस तरह का बिहेवियर है तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल सो वंस यू स्टार्ट इट यू हैव टू कम्प्लीट वन पर्टिकुलर लेवल सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर करियर इन जापनीज कंपनीज़ And, uh, जैसे हम लोग अभी आपको uh, एक फ्री कोर्स दे रहे हैं जापनीज़ का सो so ये कर, चलता रहेगा सो so, इसलिए आगे जाके भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको आपको फ्यूचर में हेल्प करनी पड़ सकती है ओके सो यू शुड बी विलिंग टू हेल्प ऑदर स्टूडेंट्स ऑल्सो सो ये बेसिक क्राइटेरिया है टर्म्स एंड कंडीशंस में देखिए कि दिस स्कॉलरशिप इज इक्वेल टू फीस ऑफ सिलेबस ऑफ जापनीज़ लैंग्वेज प्रोफिसियंसी टेस्ट जे एल पी टी एन फाइव लेवल ओनली सो जापनीज लैंग्वेज के पाँच लेवल होते हैं सो फाइव से स्टार्ट होता है फाइव फोर थ्री टू वन सो फाइव लेवल का जो भी कोर्स है उसके लिए हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसकी रेगुलर फीस जो है वो थर्टीन थाउजेंड रुपीज़ है ओके okay. सो so, यो जो आपको हंड्रेड परसेंट इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी ये लेवल के लिए सो फर्स्ट लेवल के लिए एन फाइव के लिए आपको कोई चार्ज नहीं रहेगा दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्कॉलरशिप देन दूसरी कंडीशन ये है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस स्कॉलरशिप नीड टू कंटिन्यू हिज हर जापनीज लर्निंग एट लीस्ट अप टू जे एल पी टी एन थ्री लेवल पासिंग ओके फॉर दिस स्टूडेंट्स नीड टू जॉइन जे एल पी टी एन फोर एंड एन थ्री लेवल पेड क्लासेस प्रोवाइडेड बाई ड्रीम्यूवर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जापनीज के जो लेवल बताए एन फाइव है एन फोर है एन थ्री है तो जापनीज कंपनीज में काम करने के लिए एक एन थ्री लेवल का नॉलेज जरूरी है ओके सो यू शुड कंटिन्यू अपू दैट लेवल सो एन फाइव का तो हम लोग एज अ स्कॉलरशिप uh, के अंडर आपको फ्री देंगे बट एन फोर के लिए और एन थ्री के लिए आपको जो भी क्लासेस करनी है वो आपको पेड क्लासेस रहेगी सो so, एक कंडीशन है जो आपको एन फोर और एन थ्री करनी है उसकी फीस रहेगी फिफ्टीन थाउजेंड फॉर एन फोर लेवल और सेवनटीन थाउजेंड फॉर एन थ्री लेवल नेक्स्ट कंडीशन है कि सिलेक्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस स्कॉलरशिप नीड्स टू सपोर्ट इन फ्यूचर टू टीच जापनीज टू अदर स्टूडेंट्स हु सिलेक्टेड फॉर सच स्कॉलरशिप सो ये चेंज चलता रहेगा जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये चेंज चलता रहेगा कि आप लोगों को ये फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं सो यू शुड बी विलिंग टू हेल्प अदर्सो इन फ्यूचर नेक्स्ट कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स नीड टू बी रेगुलर इन द क्लास एंड कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट्स ऑन टाइम देर विल बी इंटरव्यू विदिस्टेड कैंडिडेट्स बिफोर फाइनल सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप सो so, इसमें क्या है कि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए जब जा अपने लैंग्वेज का कोर्स शुरू हो जाए तो आपको रेगुलर रहना है ओके सी उसमें क्या है ना कि आप लोगों को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो यू आर ऑक्यूपाइंग वन सीट ओके इफ़ यू आर नॉट कपेबल टू डू सो वी विल रिक्वेस्ट कि किसी दूसरे को चांस मिले बट बिकॉज यू आर ऑप्टिंग फॉर इट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर इट सो यू नीड टू बी रेगुलर इन द क्लास जो भी आपको असाइनमेंट्स मिल रही है जो भी आपको स्टडी या होमवर्क मिल रहा है वो आपको सीरियसली टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है या फिर बेसिक कंडीशन है बोल सकते हो आप इंटरव्यू का कैसे है कि अभी हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उसके बाद फिर हम लोग फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे मे बी वो जूम हो और गूगल का कॉल होगा गूगल मीट होगी तो उसके थ्रू हम लोग आपको फिर से समझाएंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू जे एल पी टी एन फाइव लेवल्स स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड बाई ड्रीम्यूवर्स सो एन फाइव लेवल का जो हम लोग फ्री में एक लेवल का आपको कोर्स दे रहे हैं उसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल लगेगा उसकी सॉफ्ट कॉपीज हम लोग आपको दे देंगे एनी हाउ दिस क्लास विल बी ऑनलाइन सो आपको जो भी है वो सॉफ्ट कापीज दी जाएगी uh, जो सफिशियंट है आप एन फाइव पास होने के लिए दूसरी कंडीशन है ऑल्दो जापनीज लैंग्वेज जापनीज वर्क कल्चर एटिकेट्स एट्सेट्रा विल बी uh, taught in the class students also need to keep them updated with other information about japan and japanese culture by self study iska meaning ye hai ki uh, aapko japanese language ke related to padhaya jayega बट जापान और Japanese companies और Japanese लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है ओके okay. तो उनके साथ काम करने के तौर तरीके सीखने के लिए आपको जापानीज कल्चर कैसा है वो फूड क्या खाते हैं जापान कैसा है जापान का जोग्राफिकल कंडीशंस कैसा है या फिर जापान में आ, आ, क्लाइमेट कैसा रहता है लोगों के साथ काम करने के बहुत सारे आपको इसके वीडियोस और बहुत सारे आपको इंफॉमेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी तो वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है क्योंकि क्या है कि आपको एक बार उन लोगों के साथ काम करना है तो उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ़्रांस में काम करना है या फिर अमेरिका में काम करना है तो हम लोग उनके तौर तरीके जानते हैं थोड़े पहले राइट right? इवन इंडिया में भी अगर आप कहीं जा रहे हो किसी कंपनी में तो किसी उसी कंपनी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन तो लेते ही है राइट right? तो उसी तरह से सेम है कि अदर देन लैंग्वेज आपको जो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस कंट्री के बारे में वो आपको लेनी पड़ेगी रिक्वायर्ड uh, डॉक्यूमेंट्स uh, एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे आपको देन अंडरटेकिंग ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन जो टर्म्स एंड कंडीशंस अभी हमने समझाए uh, उसकी uh, उसका अंडरटेकिंग रहेगा देन रेफरेंस लेटर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मतलब आप जहाँ पे भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ से एक लेटर uh, रहेगा उसका फॉर्मेट भी हम लोग आपको दे देंगे और आपके आधार कार्ड कॉपी सो ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपको ईमेल uh, के थ्रू जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी स्कॉलरशिप के लिए उनको ये डॉक्यूमेंट्स आपको ई के थ्रू मिल जाएंगे सो यू हैव टू फिल दो ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड हैव टू रिटर्न टू अस ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारे व्हाट्सअप नंबर है ई मेल है, है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी तो so, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहेंगे इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट है टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके या फिर अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट टू एडमिन ऑफ दैट ग्रुप सो यू नोट डाउन दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम